Ganga, Gyani Ganga. जो व्यक्ति डायरेक्टली अपनी राशि का ही राशिफल देखना चाहते हैं, वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाके विशेष टाइम फ्रेम पर यानी अपनी राशि के टाइम फ्रेम वाला क्लिक करें तो आप केवल और केवल अपनी राशि देखने में समर्थ हो सकेंगे। प्रिय भक्तगणों, आज मैं आपको राशिफल के साथ साथ विभिन्न प्रकार के उपाय जो आपके दैनिक जीवन में आपकी 60-70% तक परेशानियों को कम कर सकते हैं बताने जा रहा हूं। इसके साथ ही मां महालक्ष्मी का एक अचूक उपाय बताऊंगा उनको प्रसन्न करने के लिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए आप आखिर तक हमारे इस राशिफल के वीडियो को देखते रहें। इसके साथ साथ अगर कोई व्यक्ति खाली अपनी राशि के लिए इस वीडियो को देखना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए हुए राशियों के, उस राशि पर क्लिक करके सीधा उस जगह पर पहुंच सकता है जहां से उसकी राशि प्रारंभ होती है। जय शनिदेव। प्रिय भक्तगणों, मैं हूं गुरु रजनीश ऋषि, शनिपीठ मंदिर ईस्ट पटेल नगर नई दिल्ली से आज पुनः आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं आपका अपना दैनिक राशिफल लेकर। क्या कहते हैं आपके सितारे आजकल, तो इसकी शुरुआत करने से पहले सबसे पहले मैं चर्चा करूंगा प्रभु के द्वार सभी मनुष्यों के लिए, सभी देवताओं के लिए, सभी प्राणी मात्रों के लिए आज 8:45 से लेकर 10:31 तक खुले रहेंगे शाम को। और आसमान में जो सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आज व्याप्त होने वाली है वो 3:54 दोपहर से लेकर 5:38 तक व्याप्त रहेगी। और राहु काल जो रहने वाला है वो सुबह 10:43 से लेकर दोपहर 12:26 तक रहेगा। आज का जो शुभ मुहूर्त है वो 11:59 से लेकर 12:54 तक रहने वाला है, जिसमें आप सभी प्रकार के शुभ कार्य कर सकते हैं। आज 10 जुलाई सन 2020 विक्रम संवत 2077 कृष्ण पंचमी तिथि है, सौभाग्य नामक योग आसमान में बना हुआ और पूर्व भाद्रपद नामक नक्षत्र का उदय हुआ है। और अब मैं चर्चा करूंगा ग्रह गोचर की स्थिति का, जिसकी वजह से आपको समस्त शुभ और अशुभ फलों की प्राप्ति आपके कर्मों के आधार पर। ये जो नवग्रह देवता है सूर्य चंद्र मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि राहु और केतु महाराज, ये विभिन्न राशियों में बैठकर आपके ऊपर वर्षा कर रहे हैं, या तो आशीर्वाद की या दंड दे रहे हैं। सब कुछ होता है आपके पूर्व जन्म में और इस जन्म में किए गए पापों के आधार पर। जैसे कर्म करेंगे वैसे ही आप फल पाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता कि आप बुरे कर्म करें और आपको उसका दंड ना मिले। प्रभु के यहां ना तो देर है ना अधेर है, जरूरत होती है बस पाप और पुण्य के उस घड़े को भरने की जो हमारे कर्मों के साथ साथ इकट्ठा होता रहता है। और जैसे ही ये घड़ा भरता जाता है तो फिर इसमें से पाप और पुण्य दोनों ही छलकने लगते हैं और उसके आधार पर हमें दंड की प्राप्ति प्रारंभ होने लगती है। तो 100 बार सोचिए कोई भी बुरा कर्म करने से पहले। और जो व्यक्ति अपने पिछले पापों की स्वीकारोक्ति करना चाहते हैं, उसके लिए कुछ उपाय करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके पापों की स्वीकारोक्ति के नाम से एक लिंक है, वहां पर जाकर चर्चा कर सकते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट इन उपायों को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए, इसके साथ साथ मैं आप सभी लोगों से कहना चाहूंगा कि प्रिय भक्तगणों, आज आसमान में वृष राशि में स्वयं शुक्र देवता विराजमान है, मिथुन राशि में बुध देवता वक्री होकर, राहु महाराज वक्री होकर और सूर्य देवता मार्गी होकर विराजमान है। धनु राशि में बृहस्पति देवता और केतु महाराज दोनों ही वक्री होकर विराजमान है। शनि महाराज अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में वक्री होकर विराजमान है और मंगल देवता और चंद्र देवता मीन राशि में विराजमान है। और यहां बैठकर ही आप पर अपनी दृष्टि बनाए हुए हैं।
भक्तगणों, आपकी वजह से हमारा यह चैनल 15 लाख से अधिक सब्सक्राइबर वाला चैनल बन चुका है। अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब करें, ऑल नोटिफिकेशन के लिए सेट करें। साथ ही आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, किंतु सनातन हिंदू धर्म की यह गंगा सतयुग से त्रेता युग, त्रेता युग से द्वापर युग, द्वापर युग से कलयुग के प्रारंभ से निरंतर कलयुग की समाप्ति तक भी बहती रहे। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और सभी मित्रों से शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। हिंदू होने के नाते आपका यह कर्तव्य है, और ऐसे ही आप ही जैसे लोगों की बदौलत यह हिंदू धर्म 800-900 साल मुस्लिम आक्रांताओं की गुलामी करके, हमारे धर्म स्थलों को तहस नहस करके, और 200 साल अंग्रेजों की गुलामी करने के बावजूद भी आज विश्व में अपना विशेष स्थान रखता है, और सारे धर्म के लोग अंततः समय समय पर इसके आगे आकर नतमस्तक होते हैं। चलिए और अधिक समय न लेते हुए प्रारंभ करता हूं आपके मेष राशि के राशिफल के साथ। मेष राशि वालों, जैसा कि स्पष्ट रूप से मैं देख पा रहा हूं, परिवारजनों का भरपूर साथ आपके साथ बना हुआ, किंतु आपके आत्मबल में कमी और कुछ खर्चों की अधिकता की वजह से आपको कुछ परेशानी और मानसिक तनाव की स्थिति पैदा हो सकती है। भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे नहीं चल रहे हैं इन दिनों, तो भाई बहनों को खुश करने का प्रयास करें। यहां मैं उन सभी लोगों से जो अपने खून के रिश्ते यानी माता पिता, सगे भाई सगे बहन, या संतान पुत्री या पुत्र, या आपके खून के रिश्ते हैं, या आपके जीवन साथी के साथ अगर आपकी कोई अड़चन आ रही है, तो इनको सुधारने के लिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी का एक सहारा लेकर अपने खराब हो चुके रिश्तों को दोबारा से न सिर्फ जीवित कर सकते हैं, उसमें आनंद और प्रसन्नता का अनुभव भी कर सकते हैं। माता के साथ आपके जो संबंध है, वहां पर कुछ परेशानी और कुछ यात्रा की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। सावधान रहें, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, स्टूडेंट्स का फोकस पढ़ाई लिखाई से विरक्त हो रहा है, क्योंकि उनके सामने अंधकार छाया हुआ, क्या करें क्या ना करें। ऐसे सभी स्टूडेंट हमारी गारंटी लेकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करें, ताकि उनका मन पढ़ाई में लग सके और हर साल पहले से ज्यादा नंबर आए, जिसके लिए वीडियो कॉल बुक कराना सर्वश्रेष्ठ रहेगा। बात करते हैं जीवन साथी के साथ आपके संबंधों के बारे में। जो लोग शादीशुदा हैं, तो जीवन साथी भरपूर मदद कर रहे हैं उनको लाभ प्रदान करने के लिए, परिवारजनों के साथ मिलकर इस लाभ का आनंद उठाते रहिए। बात करते हैं भाग्य की, तो यहाँ भाग्य के हालात देख रहे हैं और साथ में कर्म के हालात देख रहे हैं और आमदनी के हालात, तीनों ही जगह आपकी जो स्थिति है वो अच्छी नहीं दिखाई दे रही। ना तो भाग्य साथ दे रहा है, ना बरकत हो रही है, ना आमदनी में कोई इजाफा हो रहा है, अंततः खर्चे बढ़ते जा रहे हैं और लोन कर्जे की स्थिति बनती जा रही है। तो ऐसे सभी व्यक्ति जो अपने भाग्य से, अपने बरकत ना होने से, प्रोग्रेस तरक्की प्रमोशन ना होने से, या आमदनी की कमी की वजह से परेशान है, तो स्क्रीन पर जो नंबर आ रहे हैं उन पर एक वीडियो कॉल बुक कराकर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय हमसे जानकर अपने जीवन में खुशियां उठा सकते हैं। यहां अनावश्यक यात्रा करने का चांस बनता हुआ नजर आ रहा है। अपने क्रोध पर अवश्य ही नियंत्रण रखें और भगवान शनि देव को प्रसन्न करने का प्रयास करें उनके तांत्रिक बीज मंत्रों की सहायता से। गलती से भी किसी धर्मगुरु का अपमान करना आपके लिए धन संपत्ति ऐश्वर्य को नष्ट करने वाला होगा। और मैं यहां बात करना चाहूंगा उन व्यक्तियों के बारे में जिनके पास अपना दुकान, ऑफिस, गोडाउन, शोरूम या फैक्ट्री आदि नहीं है, यानी कार्यस्थल नहीं है अपना, या मकान ही नहीं है। ऐसे सभी लोग, चाहे वो किसी भी राशि के क्यों ना हो, वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके अपने उन ग्रहों को मजबूत करके जिनसे आप मकान, दुकान, ऑफिस, शोरूम, गोडाउन खरीद सकते हैं, उनकी स्थिति को ध्यान में रखते हुए
आप अगर वैदिक एस्ट्रोलॉजी के कुछ उपाय करेंगे तो निश्चित ही आप इस योग में हो सकेंगे कि आने वाले भविष्य में आप स्वयं अपना मकान दुकान ऑफिस गोडाउन इत्यादि खरीदने में समर्थ हो सके। और यहां बात करूंगा मेष राशि वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंधों के बारे में, तो प्रेम संबंधों में सब कुछ होते हुए निराशा का समावेश उनको परेशान कर रहा है, समझ में नहीं आता कि क्या करें क्या ना करें, क्या सफलता मिलेगी नहीं मिलेगी, वाद विवाद ऐसे ही बढ़ता रहेगा या शादी की नौबत भी कभी आएगी। तो ऐसी सभी स्थिति से खुशियों के साथ आगे बढ़ने के लिए, अपने प्रेम संबंधों में सुधार के लिए, अपने प्रेम संबंधों में खुशियां प्राप्त करने के लिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, निश्चित ही आपको लाभ की प्राप्ति होगी। बात करता हूं मैं वृष राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, वृष राशि वाले व्यक्ति आपका मनोबल बहुत हाई है इस समय, गो हैड व्हाइल यू आर वेटिंग करें आप, क्योंकि भगवान शुक्र स्वयं आपके राशि स्थान पर बैठकर आपको भरपूर आशीर्वाद दे रहे हैं। किंतु भाई बहनों के साथ आपको कुछ अड़चन आ सकती है, लेकिन उसमें भी आपकी माता आपकी मदद करेंगी, आपके संबंधों को सुधारने का प्रयास करेंगी, माता का आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स का फोकस जो है वो पढ़ाई से थोड़ा सा व्यर्थ होता हुआ नजर आ रहा है, तो स्टूडेंट ध्यान रखेंगे वो पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो आगे चलकर क्या छोले भटूरे बेचेंगे या कहीं पकौड़े तलेंगे। अरे कैरियर बनाना है आपने तो पढ़ना तो पड़ेगा ही ना। तो बाबू अगर आपका मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता है, मेहनत करने के बाद अच्छे नंबर नहीं आते हैं, तो हमारे गारंटी वाले छोटे छोटे उपाय जो साल में एक या दो बार करने होते हैं उनको करें, आपको निश्चित ही फायदा होने लगेगा। बात करते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, रिश्ते वाले आते तो हैं किंतु रिजेक्ट करके चले जाते हैं। ऐसी अपमानजनक परिस्थितियां अगर आपके साथ बार बार हो रही है ना, तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करिए। इन उपायों के करने से आपके ग्रह दोष दूर होंगे और आपको एक खूबसूरत सा जीवन साथी मिलने की जो रास्ता है वो खुलने लगेगा। ऐसे उपाय जानने के लिए आप वीडियो कॉल बुक करा सकते हैं हमारे साथ एक। और बात करते हैं उन लोगों की जो ऑलरेडी शादीशुदा हैं, तो जो लोग शादीशुदा उनका जीवन साथी उनकी आमदनी में निश्चित रूप से वृद्धि का समावेश करता हुआ नजर आ रहा है, तो अपनी जीवन साथी की बात मानकर आप अपनी आमदनी में वृद्धि कर सकते हैं, उनकी सलाह लेकर निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। यहां मैं बात करने जा रहा हूं आपके ससुराल पर से कुछ अच्छी बुरी सूचना मिलना लाजमी दिखाई दे रहा है इन दिनों। और भाग्य की बात करें तो भाग्य के हालात आपके अनुकूल नहीं है, ना कार्यस्थल पर आपके हालात आपके अनुकूल हैं, तो भाग्य और कार्यस्थल। और यहां अगर देखा जाए तो भाई बहनों की स्थिति, तो ऐसे समय में अगर आप अपने कार्यस्थल को अपने भाग्य को अपनी आमदनी को सुधारने के लिए या अपने जीवन साथी से जो खट्टे मीठे आपके ज्यादातर संबंध रहते हैं जिनकी वजह से आपको बहुत ज्यादा प्रताड़ना सहनी पड़ती है अपने जीवन साथी से भी, तो इन संबंधों को ठीक करने के लिए आप एक अपने राशि रतन की, एक भाग्य के रतन की और एक जीवन साथी से संबंधित रतन की अंगूठी को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत कराकर धारण करें। ऐसा करना निश्चित रूप से आपके जीवन में आपको खुशियां प्रदान करने वाला होगा। अगर आपको ऐसी अंगूठी नहीं मिल पा रही है तो मेरे द्वारा बनवाकर अपने साइज के अनुसार मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत करवाकर आप पूरी दुनिया में घर बैठे कहीं भी इन अंगूठियों को प्राप्त कर सकते हैं। ये अंगूठियां विशेष रूप से केवल और केवल स्पेशली तैयार की जाती है, रेडीमेड हमारे पास कुछ नहीं होता है। बात करते हैं आमदनी के हालात की, तो निश्चित रूप से आमदनी में कुछ फायदा होता हुआ नजर आ रहा है, जीवन साथी का साथ स्वयं आपकी मदद करेगा। और यहां पर मैं एक विशेष बात करना चाहूंगा उन व्यक्तियों से जिनके जीवन में अभी तक संतान का सुख नहीं है, डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर दवाएं खा खा कर थक चुके हैं मगर कोई फायदा नहीं हो रहा, ऐसे सभी दंपत्ति समझ लें कि उनको दवा से ज्यादा दुआओं की जरूरत है। तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा हमारी मदद लेने के लिए
और एक खूबसूरत सी संतान प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आप स्क्रीन पर आ रहे नंबरों के द्वारा हमसे मदद ले सकते हैं। और यहां बात करना चाहूंगा वृष राशि वाले व्यक्ति के प्रेम संबंधों के बारे में, जिनमें खटास आई हुई है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, वाद विवाद हो रहा है, समझ में नहीं आता कहां जाके रुकेंगे, किसी तीसरे की एंट्री भी होती हुई नजर आ रही है जिसकी वजह से तनाव बढ़ता ही जा रहा है। तो ऐसे सभी युवक युवतियां जो प्रेम संबंधों को लेकर किसी भी वजह से परेशान है, चाहे वो शादी की वजह हो, लड़ाई झगड़े की वजह हो, तीसरे की एंट्री की वजह हो, धोखा देने की वजह हो, तो अपने प्रेम संबंधों में मजबूती लाने के लिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय, जिसमें आपने कोई मुर्गे की बलि, बकरे की बलि, उल्लू की बलि या सियार सिंगी आदि की बलि के नाम पर, उल्लू नहीं बनना है, या किसी ढोंगी और मूर्ख पाखंडी के द्वारा, पता नहीं किस धर्म का वो व्यक्ति है, उसके द्वारा पूजा पाठ के प्रपंच में फंसकर लाखों रुपए उस पर नहीं लुटाने। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन में खुशियां भर देंगे, उन खुशियों का फायदा उठाकर आप अपने जीवन को एंजॉय करें, अपने प्रेम संबंध को एंजॉय करने की तरफ आगे बढ़े। बात करते हैं मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के साथ। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों, हालात की गंभीरता को समझने का प्रयास करें। आपका ग्रह उल्टा घूम रहा है, इस स्थिति में आपको परेशानी होनी लाजमी है। अपनी परेशानियों से बचने का प्रयत्न करें। अगर आप अपनी परेशानियों को, अपनी मानसिक स्थिति को ठीक नहीं करेंगे तो आपको ही परेशानी उठानी पड़ेगी। अनावश्यक क्रोध से बचने का प्रयास करें। परिवारजन निश्चित रूप से आपको मदद करते हुए नजर आ रहे हैं, उनका सहारा लेकर आप आगे बढ़ने का प्रयास करें। निश्चित रूप से वो कार्यस्थल पर भी आपको मदद करेंगे। और बात करते हैं भाई बहनों के साथ आपके संबंधों की, तो भाई बहनों के साथ संबंध आपको मदद करने की प्रयास कर रहे हैं, किंतु खुद विपत्ति में होने का कारण पूरी तरीके से मदद कर पाने में असमर्थ है। अगर माता की बात करते हैं तो माता के साथ भी कुछ उलझन होती हुई नजर आ रही है। सावधान रहे, सतर्क रहे, माता का आशीर्वाद लेना यहाँ हितकर होगा। साथ ही साथ अगर आप छोटी छोटी छह कन्याओं को नित्य प्रति हलवे का भोग लगाएंगी, जब तक ये बुद्ध देवता की उल्टी गणना चल रही है, उल्टी चाल चल रही है, तब नित्य प्रति आप छह कन्याओं को हलवे का भोग लगाए सुबह सुबह। कन्याओं की उम्र 10 साल के आसपास से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, कम हो सकती है। ऐसी कन्याओं को प्रेम से हलवा खिला, उनसे आशीर्वाद दें, अपने सिर पर हाथ फिरवाए, निश्चित आपको लाभ होगा। स्टूडेंट्स की बात करें, मतलब ही नहीं पढ़ाई का, पता नहीं पढ़ाई लिखाई कहां चली गई, दिमाग घूम रहा है विपरीत सेक्स की ओर। माता पिता ध्यान दें, अपनी संतान पर नियंत्रण रखें, अन्यथा यहां से बिगड़ने की संभावना शुरू हो जाएगी। ऐसे सभी युवक युवतियां जिनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता या मेहनत करने के बाद अच्छे नंबर नहीं आते, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर छोटे छोटे उपाय करके, जो साल में एक या दो बार ही करने हैं, उन उपायों के साथ आपका मन पढ़ाई लिखाई में भी लगने लगेगा और आपको हर बार पहले से ज्यादा नंबर भी प्राप्त होने लगेंगे। यहां बात करता हूं जीवन साथी के साथ। अभी तक जिनकी शादी नहीं हुई है, रिश्ते वाले आते हैं, रिजेक्ट करके चले जाते हैं, शादी की उम्र निकली जा रही है, बाल सफेद पड़ने लगे, ऐसी सभी व्यक्ति, सभी युवक युवतियां, अगर बार बार ऐसा होता तो उनको समझ लेना चाहिए कहीं ना कहीं भारी ग्रह दोष है जिनकी वजह से शादी में विलंब हो रहा है, उम्र निकली जा रही है। तो इस ग्रह दोषों की शांति अति आवश्यक है। इसके लिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपको बहुत फायदा दे सकते हैं, एक खूबसूरत सा जीवन साथी दिलाने में। इन वैदिक उपायों को जानने के लिए आप एक वीडियो कॉल स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर बुक करा सकते हैं। और मैं बात करूं उन लोगों की जो ऑलरेडी शादीशुदा है, उनके जीवन में इस समय तनाव बढ़ेगा, गुस्सा और क्रोध का समावेश होगा। तो एक तरफ आपका गुस्सा, एक तरफ जीवन साथी का गुस्सा, ऊपर से पता चला भाग्य भी कहीं साथ नहीं दे रहा। और इस स्थिति में अगर आप अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे, यानी मजबूत कैसे करेंगे, राशि के रत्न की अंगूठी, भाग्य के रत्न की अंगूठी और जीवन साथी के रत्न की अंगूठी, और अगर आमदनी भी कम है तो आमदनी के रत्न की भी अंगूठी, विशेष कलर की, सबके कलर डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, एक ही रत्न के बहुत सारे कलर होते हैं, किसको कौन सा रत्न सूट करेगा वो डिपेंड करता है आपकी जन्म कुंडली के ऊपर। तो ऐसी
अंगूठियों को मंत्र सिद्ध प्राण पत्र से जागृत कराकर धारण करें, निश्चित ही आपके जीवन में 50-60% परेशानी तो वैसे ही कम होने लगी। इन अंगूठियों को अपने साइज की मेरे यहां से बनवाकर, मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करवाकर घर बैठे आप पूरी दुनिया में कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं कार्यस्थल की। कार्यस्थल पर जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपके आमदनी में वृद्धि होगी। गलती से भी धर्मगुरु का अपमान करना आपके लिए, जो सच्चे धर्मगुरु का अगर आपने अपमान कर दिया आगे या पीठ पीछे, तो आपकी धन संपत्ति ऐश्वर्य वैसे ही नष्ट हो जाएगा। और अपने पिता का भी कभी लड़ाई झगड़ा मत करना, उनका आशीर्वाद लेकर ही कार्यस्थल पर आना, तो आपके बुरे फलों को भी आपके पिता का आशीर्वाद काट देगा। यहां बात कर रहा हूं आपको विपरीत सेक्स के ऊपर खर्चा करना पड़ सकता है, मान मनपल करना पड़ सकता है, उसकी वजह से परेशानी भी उठानी पड़ सकती है। और बात करूंगा मैं उन लोगों के बारे में जिनके पास अपना मकान है नहीं है, हर महीने किराया दे देकर परेशान है, ऊपर से मकान मालिक आंखें दिखाता है मकान खाली कर दो या फिर किराया बढ़ाओ, ऐसी विषम परिस्थिति में जो लोग उलझ रहे हैं, चाहे उनके पास ये बात मकान के लिए हो रही है या दुकान ऑफिस शुरू गोडाउन या किसी कार्यस्थल के बारे में हो रही है, तो इन सब चीजों को ठीक करने के लिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय करके आप स्वयं अपना मकान दुकान ऑफिस शुरू गोडाउन इत्यादि खरीदने में निधि में करके समर्थ हो सकते हैं। और अंत में मैं बात करना चाहूंगा मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंधों के बारे में, जो उनके सिर पर चढ़कर बोल रहे हैं इन दिनों, ऐसे प्रेम संबंधों के ऊपर आप ध्यान से करें जो कुछ भी करने चाह रहे हैं, कहीं आपके लिए परेशानी का सबब ना बन जाए। जो भी निर्णय लें सोच समझ कर लें। तो सभी ऐसे मिथुन राशि वाले या किसी भी राशि के व्यक्ति, युवक युवतियां जो प्रेम संबंधों को लेकर परेशान है या चीटिंग की वजह से परेशान है, शादी न हो पाने की वजह से परेशान है, धोखे की वजह से परेशान है, स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर आमदनी तो निश्चित ही बढ़ती हुई नजर आ रही है, खर्चे मगर अधिक है, सावधान है। और यहाँ कुछ शत्रु आपको नुकसान पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे, ऐसे शत्रुओं पर विजय पाने के लिए जो आपके प्रेम को खराब करना चाहते हैं, आपको परेशान करना चाहते हैं, आपको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इन शत्रुओं को काबू में करने के लिए आपको वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेना ही होगा। अगर आप उनको काबू स्वयं नहीं कर सकते तो अंत में मैं बात करना चाहूंगा कर्क राशि वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंधों को लेकर, तो उनके प्रेम संबंधों में निश्चित रूप से भाग्य सपोर्ट करता हुआ इन दिनों नजर आ रहा है, तो भाग्य का सहारा लेकर अपने तो प्रेम संबंधों को आप जितना मजबूत करेंगे आप ही के हित में, गो अहेड। लेकिन जो व्यक्ति प्रेम संबंधों में निराशा का अनुभव कर रहे हैं वो बिना किसी चेक के हमारे यहाँ एक मेरे से एक अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। बात करता हूं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। सिंह राशि वाले व्यक्ति आपका आत्मबल निश्चित रूप से राहु के साथ आपका राशि का मालिक बैठ जाता है, तो आत्मबल में कमी आ ही जाएगी क्योंकि राहु की वजह से ग्रहण लग रहा है। जो दिखाई देने वाला ग्रहण है वो तो एक दिन का भी नहीं होता, 2-3 घंटों लगता है, 4 घंटे लग जाता है, लेकिन ये एक्चुअल वाला जो ग्रहण है मतलब उसका प्रभाव जो आपके जीवन में पड़ता है वो जाते जाते महीना लगा लेता है। सूर्य ग्रहण की बात कर रहे हैं और चंद्र ग्रहण का प्रभाव 28 दिन तक आपके जीवन में बना रहता है, तो यहां मजबूत करने का प्रयास करिए। परिवारजन की वजह से आपको नुकसान होने की संभावना नजर आ रही है, भाई बहनों का साथ निश्चित रूप से आपके साथ जुड़कर आपकी आमदनी में निरंतर वृद्धि कर रहा, माता का आशीर्वाद लेते हुए आगे बढ़े, वरना कोई वाहन दुर्घटना इत्यादि की संभावना बनती हुई नजर आ रही है, सावधान वाहन चलाते समय। और बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो नो पढ़ाई नो लिखाई, कैसे बनेगा कैरियर मेरे भाई? अरे कैरियर नहीं बनेगा तो क्या मूंगफली बेचोगे आगे जाके? खैर, पढ़ाई लिखाई में मन लगाने के लिए और हर बार पहले से ज्यादा नंबर लाने के लिए हमारी गारंटी वाले उपाय कर सकते हैं वीडियो कॉल बुक कराने के पश्चात। और यहां मैं विशेष रूप से बात करूंगा आपके स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य का ख्याल रखना आपके लिए अत्यंत शुभ होगा, जीवन साथी के स्वास्थ्य का। अगर आप शादीशुदा हैं तो उनका भी ख्याल रखिएगा, नहीं तो आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। किंतु वो व्यक्ति जो संतान की सुख से वंचित है,
डॉक्टरों के चक्कर लगा लगा कर दवाई खा खा कर थक चुके हैं मगर अभी तक संतान नहीं हुई, ऐसे सभी व्यक्तियों से कहना चाहूंगा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय आपके जीवन में संतान रूपी खुशियां प्रदान कर सकते हैं। आप उनका सहारा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, चाहे आपकी राशि कोई भी क्यों ना हो। अगर भगवान ने आपको 1% भी संतान का चांस लिखा हुआ है तो आपको संतान प्राप्त हो सकती है वैदिक एस्ट्रोलॉजी का उपाय का सहारा लेकर। तो देर किस बात की है, संपर्क करिए, हम वीडियो कॉल पर आपको मदद करने को तैयार हैं। बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य के हालात अनुकूल नहीं है। भाग्य को मजबूत बनाने के लिए, स्वयं अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, जीवन साथी की स्थिति को सुधारने के लिए आप भाग्य की रतन की, अपने रतन की और जीवन साथी से संबंधित रतन की और आमंदनी के रतन की एक अंगूठी मंत्र सिद्ध पाठ प्रतिशत जागृत कराकर अपने हाथ में अवश्य धारण करें। मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध की गई अंगूठी आपके साइज के अनुसार बनवाकर आपको पूरी दुनिया में कहीं भी घर बैठे पहुंचवाई जा सकती है, जिसके लिए आपको वीडियो कॉल पर एक अपॉइंटमेंट बुक कराना आवश्यक है। बात करते हैं कि कार्यस्थल के बारे में, तो फुल टू फुल आपके भाई बहन और आप स्वयं आपको प्रोग्रेस मिलती नजर आ रही है। अगर आपको तरक्की होने की संभावना है या नौकरी मिलने की संभावना नहीं थी तो इस समय बना हुआ है चांस, नौकरी मिलने की बात कर रहे हैं या तरक्की की बात करें, दोनों का चांस बना हुआ। भाई बहनों की मदद भी इसमें लेगी तो आपको और अधिक लाभ होगा। बात करते हैं आमंत्रण की, यहां पर प्रॉब्लम है, यहां पर ही मोचा है, इसीलिए मैंने अभी आमंत्रण की गृह की रतन की अंगूठी बोला था कि अरे क्यों बार बार परेशान होना है, अरे हर 3 साल बाद असली रतन की अंगूठी बदलिए, 1 साल बाद उपरतन की अंगूठी बदलिए, जीवन भर ऐश करिए, क्या फर्क पड़ता है। अरे आप ही थोड़ी पहनते हैं, सारी दुनिया पहनती है इन अंगूठियों को और अपने भाग्य में वृद्धि करती है। बात करते हैं सिंह राशि वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंधों के बारे में, तो सिंह राशि वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंधों में इस समय बड़ी परेशानी छाई हुई है, निराशा छाई हुई है, जितना भी उसे ठीक करने का प्रयास करते हैं उतना ही बिगड़ जाते हैं संबंध। तो प्रेम संबंधों में आ रही परेशानियों के लिए सभी युवक युवतियां, चाहे माता पिता विरोध कर रहे हो, चाहे प्रेमी डिच कर रहा हो, चाहे कोई प्रेम संबंधों को छीनना चाहता हो, खराब करना चाहता हो, या कोई स्वयं आपका जो साथी है वो आपको धोखा दे रहा हो, तो इन सभी स्थितियों के लिए आपको न सिर्फ अपने आप को मजबूत करने की आवश्यकता है अपितु अपने प्रेम संबंधों को सुधारने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेने की आवश्यकता है, अन्यथा आप कोलैप्स होने में देर नहीं लगाएंगे और फिर तो वही वाली बात हो जाएगी, अपछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो समय पर अगर आप उपाय करेंगे तभी आपके लिए लाभ होगा। बात करते हैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, कन्या राशि वाले व्यक्तियों हालात को समझने का प्रयास करो, अपने आप को बल देने का प्रयास करो, आप बहुत कमजोर साबित हो रहे हैं, कॉलर सोने की तरफ बढ़ रहे हैं, तो अपने आप को मजबूत करना यहाँ अत्यंत आवश्यक है। मैं आगे बताऊंगा कैसे करना है। यहाँ पर जो परिवारजन है वो निश्चित रूप से आपके भाग्य में वृद्धि करते हुए नजर आ रहे हैं, भाई बहनों का जो साथ है निश्चित रूप से आपके जीवन साथी के साथ मिलकर आपको मदद करने का प्रयास करेगा, आपको संभालने का प्रयास करेगा। माता के साथ हालात उत्तम नहीं है किंतु माता का आशीर्वाद लेने से वो परेशानी सॉर्ट हो जाएगी, जब माता आशीर्वाद दे देंगी तो आपकी परेशानी सॉर्ट आउट हो जाएगी। और यहां ध्यान रखने वाली बात एक और विशेष है कि आपके कार्यस्थल या आपके घर पर कुछ व्यक्ति ऐसे हैं या एक व्यक्ति तो कम से कम ऐसा है जो आपको इन दिनों नुकसान पहुंचाने के लिए यंत्र मंत्र तंत्र का सहारा ले रहा है, ऐसे व्यक्तियों से बचने का प्रयास करें। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते तो जानने का प्रयास करें और प्रयास करें कि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके, परंतु अगर आप उनको कंट्रोल नहीं कर सकते तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर आप हमारी मदद लीजिए ताकि हम आपके व्यापार पर उनको बंधन युक्त करें ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके, जिसके लिए आपको एक वीडियो कॉल बुक कराना आवश्यक होगा। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स का फोकस पढ़ाई लिखाई पर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है, तो ऐसे सभी स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई में मन लगाने के लिए और पहले से ज्यादा नंबर प्राप्त करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर
एक कॉल हमारे से वीडियो कॉल की बुक कराकर फायदा उठा सकते हैं। और यहां मैं बात करूंगा उन व्यक्तियों के बारे में जो संतान रूपी पीड़ा से परेशान है, संतानें उनका अपमान करती है, उनको अपने मां बाप की मान सम्मान का कोई ख्याल ही नहीं है संतान को। तो ऐसी सभी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी राशि के कर्ण हो, जिनकी संतान उनका अपमान करती है, चाहे संतान की उम्र 15 साल हो चाहे 55 साल हो, तो ऐसी संतान को कंट्रोल में करने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे से उपाय जो साल में एक या दो बार करने हैं, कोई टोना टोटका नहीं, कोई जादू नहीं, इन उपायों से आप अपनी और अपनी संतान के मध्य प्रेम संबंधों में वृद्धि कर सकते हैं और अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। संतान की बुद्धि को भी ठीक किया जा सकता है, उसके लिए आप एक बार हमसे चर्चा कीजिएगा अपनी परेशानियों की, हम निश्चित रूप से आपकी मदद करेंगे। यहां मैं बात करना चाहता हूं उन व्यक्तियों के बारे में जो अपने जीवन साथी के मध्य तनाव की वजह से परेशान है। एक तो उनका ग्रह ठीक नहीं है, ऊपर से जीवन साथी का ग्रह ठीक नहीं चल रहा, तो अल्टीमेटली तनाव तो हो गई होगा, एक इस तरफ को भाग रहा है एक उस तरफ को भाग रहा है, तो कहीं ना कहीं तनाव के कारण तो बनी रहे। तो इस हालात को नियंत्रण करने के लिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय करके अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं। यहां मैं बात करना चाहूंगा, भाग्य आपको फुल मदद दे रहा है मगर कार्यस्थल के हालात अनुकूल नहीं है, इनको अनुकूल बनाइए। आमदनी के हालात की बात करते हैं तो आमदनी के हालात निश्चित रूप से आपके जीवन साथी के साथ मिलकर आपको मदद पहुंचा सकते हैं, तो जीवन साथी का सहारा लेकर आप अपनी आमदनी में वृद्धि करने का प्रयास कीजिए। और मैं बात करूंगा उन व्यक्तियों के बारे में जिनके पास अपना ऑफिस नहीं है, दुकान नहीं है, शोरूम नहीं है, गोडाउन नहीं है, और जिसकी वजह से बहुत ज्यादा परेशान है। तो ऐसे सभी व्यक्ति अपने खुद का मकान, दुकान, शोरूम, गोडाउन, ऑफिस खरीदने के लिए अपने ग्रहों को अवश्य मजबूत करें और किराएदारी के झंझट से छुटकारा पाए। और बात करते हैं कन्या राशि वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंधों में चल रही निराशा के बारे में, तो निश्चित रूप से बहुत निराश है कन्या राशि वाले अपने प्रेम संबंधों को लेकर। यहां अगर वो शनि भगवान के तांत्रिक बीज मंत्र की एक माला नित्य प्रति धूप दीप जलाकर स्नान के पश्चात करेंगे तो भगवान शनि देव प्रसन्न होकर निश्चित रूप से उनको आशीर्वाद देंगे और वो के प्रेम संबंधों में मजबूती लाएंगे। लेकिन ये सब साधना या पूजा या जो है ना मन लगाकर करना चाहिए। अगर आपको इनकी विधि विधान और मंत्रों की जानकारी चाहिए तो आप हमें ईमेल कीजिएगा, हम निश्चित रूप से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये विधान भेज देंगे। यहां मैं बात करना चाहता हूं तुला राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। तुला राशि वाले व्यक्तियों अगर हम ध्यान दें तो अपने आत्मबल में खोती हुई कमी को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये जो बदनामी के कारक आप अपने आप खड़े कर रहे हैं, बना रहे हैं, वो अल्टीमेटली आप ही के पर को परेशान करेंगे, किसी और को नहीं करेंगे। सावधान है, आपके परिवारजन जो है उनको कोई स्वास्थ्य संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखें। भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में निराशा छाई हुई है, एक बार पुनः उन संबंधों को ठीक करने का प्रयास करें। अगर हमारी मदद की जरूरत है तो हम आपके साथ और भाई बहन के संबंधों को ठीक कर देंगे। माता की बात करें तो माता के साथ भी आपके संबंध अच्छे नहीं है, उसके साथ भी संबंधों को ठीक करने का प्रयास करें। मालूम है आप माता के साथ बहुत दिखावा करते हैं, अंदर से करिए, दिखावा नहीं करना है, सम्मान करना सीखिए अपने माँ बाप का, हृदय से सम्मान करिए जिन्होंने हमें जन्म दिया है। बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स का जो मन है वो धीमे धीमे करके पढ़ाई लिखाई में लगने की तरफ आगे बढ़ रहा है, किंतु जो स्टूडेंट अभी भी पढ़ाई लिखाई में निराशा का अनुभव कर रहे हैं, मेहनत करने के बाद कम नंबर आते हैं, तो वो हमारी गारंटी वाले वैदिक एस्ट्रोलॉजी के उपाय करके फायदा उठा सकते हैं। यहां बात करूंगा आपके जीवन साथी के बारे में। अगर आप शादीशुदा है तो अपने जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, अन्यथा उनको भारी परेशानी उठानी पड़ सकती है। यहां साथ ही मैं बात करना चाह रहा हूं ससुराल पर से कुछ समाचार मिल सकते हैं मगर आपके जो भाग्य के हालात हैं वो आपके फेवर में नहीं है, ना ही आपके कार्यस्थल के हालात आपके फेवर में है, और तो और आमदनी के हालातों में भी इतनी अधिक
उन्नति नहीं हो रही है। तो अब जब आमदनी ठीक नहीं होगी, भाग्य ठीक नहीं होगा और कार्य स्थल पर भी प्रोग्रेस नहीं होगी, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या व्यापार कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कैसे आगे बढ़ेंगे? अल्टीमेटली क्या करेंगे? लोन लेंगे, फिर लोन उतारने के लिए लोन लेंगे और कर्जा बढ़ता चला जाएगा। तो इस स्थिति को कंट्रोल में करने के लिए सबसे पहले आप अपने आप को मजबूत करिए, अपने भाग्य को मजबूत करिए, अपने कार्यस्थल के हालातों को मजबूत करिए, आमदनी के हालातों को भी मजबूत करिए। इनको मजबूत करना आसान है, इनसे संबंधित रत्नों की मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठित जागृत अंगूठिया धारण करिए। आप ही नहीं करते, पूरी दुनिया में बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े एक्टर प्रोड्यूसर, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट, फिल्म प्रोड्यूसर से लेकर अगर बात करें छुटभैये नेताओं की भी या आम आदमी की या छोटे मोटे आदमी की, हर एक किसी ने इन रत्नों की अंगूठियों को धारण कर अपने भाग्य में लगातार वृद्धि प्राप्त की होती है, बल प्राप्त किया होता है। आप क्यों नहीं करते हैं? मेरे द्वारा मंत्र सिद्ध की गई, प्राण प्रतिष्ठित जागृत की गई इन अंगूठियों को अपनी साइज के अनुसार बनवा कर घर बैठे आप पूरी दुनिया में कहीं भी मंगवा सकते हैं। और बात करूंगा अंत में तुला राशि वाले व्यक्तियों के अपने मकान के बारे में, क्योंकि जैसा दिखाई दे रहा है तो अपने मकान से संबंधित परेशानी को दूर करने का प्रयास करिएगा, किराएदारी के झंझट से बचने का प्रयास करिएगा। माता का आशीर्वाद दीजिए, माता इसमें आपको बहुत साथ दे सकती है। और 28 सितंबर के बाद से तो आपका समय और ठीक हो जाएगा, उस समय पर आप प्रयास करें। अगर आपके अपना मकान नहीं है तो आप खरीद सकेंगे, ग्रह आपके अनुकूल होने लगेंगे मकान खरीदने के लिए। किंतु जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पा रहे उनको अपने ग्रहों को मजबूत करना चाहिए, ताकि आप अपने आने वाले समय में मकान, दुकान, शोरूम, गोदाम, ऑफिस, फैक्ट्री इत्यादि जो भी आप खरीदना चाहते हैं खरीदने में समर्थ हो सके और किराएदारी के झंझट से मुक्ति पा सके। अगर आप इसमें वैदिक एस्ट्रोलॉजी की हमारे द्वारा मदद चाहते तो निश्चित रूप से आपके साथ खड़े हुए। अंत में तुला राशि वाले व्यक्ति के प्रेम संबंधों में जहां धीमे धीमे करके आशा का संचार होने लगा है, उन संचार का फायदा उठाकर अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, किंतु बदनामी से बचने का प्रयास अवश्य करें। माता इस कार्य में आपकी साथ दे सकती है। बात करते हैं वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के बारे में। वृश्चिक राशि वाले व्यक्ति आपका जीवन साथी फुल टू फुल आपको मदद कर रहा है, रोमांस से आपको भरपूर बना रखा है उसने, आपका आत्मबल बढ़ा हुआ है। आगे आपके परिवारजनों की वजह से आपको कुछ परेशानी हो सकती है, किंतु यह भी धीमे धीमे करके समय के अनुसार ठीक होने लगेगा। जो भाई बहन है उनका साथ भी थोड़ी सी अड़चन देता हुआ नजर आ रहा है माता के साथ साथ, तो इनको ठीक करने का प्रयास कीजिएगा। मैंने पहले भी आपको बताया, आज फिर बता रहा हूं, खून के रिश्ते, भाई बहन, माता पिता, संतान यानी पुत्र पुत्री और जीवन साथी के साथ अगर किसी के रिश्ते खराब है और उनको ठीक करना चाहता है तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी से मदद ले। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से वो इन रिश्तों में नई जान डाल सकता है, नई खुशियां प्राप्त कर सकता है और आनंद का अनुभव कर सकता है। तो देर किस बात की, अगर आपके रिश्ते अपने खून के रिश्तों में साथ खराब हो गए तो मत होने दीजिए, सुधारने का प्रयास करिएगा। बात करते हैं उन व्यक्तियों के बारे में जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है, तो ये अच्छा समय है शादी के लिए, प्रयास तो करिए, शादी होने की संभावना बनी हुई है। फिर भी लगता है तो थोड़ा परफ्यूम का ज्यादा इस्तेमाल कर लीजिएगा, मोगरे का परफ्यूम थोड़ा ज्यादा इस्तेमाल करिएगा, आप शादी की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। नित्य प्रति करिएगा, दो दो बार लगाइएगा, सुबह अलग लगाइएगा, शाम को अलग लगाइएगा। बात करते हैं ससुराल पक्ष से, जो ससुराल पक्ष वाले लोग हैं वहां से कोई अच्छी बुरी खबर का समावेश होता हुआ नजर आ रहा है। भाग्य की बात करें तो भाग्य के हालात, ना भाग्य के हालात आपको प्रॉपर सपोर्ट दे पा रहे हैं, ना ही कार्यस्थल और आमदनी के हालात। अब देखिए, आप अगर कमजोर हैं तो भाग्य कमजोर है, कार्यस्थल कमजोर है तो कैसे काम चलेगा, आमदनी भी खराब है। तो इस दिशा में प्रयास करिए, चाहे आप नौकरी करें चाहे व्यापार करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। आदमी तो हालात सुधारने कार्यस्थल के, कार्यस्थल ना नौकरी भी होती है व्यापार भी होता है, तो इनको सुधारने के लिए आप अपने राशि रतन की, भाग्य रतन की, कार्यस्थल के रतन की और आमदनी के रतन की अंगूठी क्यों नहीं धारण करते हैं?
और जीवन साथी के साथ क्योंकि बार बार तनाव की स्थिति रहती है, क्योंकि आप बहुत हाइपर होते हैं, आप उन्हें अपने कंट्रोल में चलाना चाहते हैं, अपनी उंगलियों पे नचाना चाहते हैं, आप जीवन साथी को जीवन साथी नहीं समझते, गाय बैल समझ के उनकी रस्सी यानी उनकी नकेल अपने हाथ में रखना चाहते हैं। यह सही तरीका नहीं है जीवन में खुशियां पाने का। कदर करिए उनकी, सम्मान करना सीखिए, तभी तो आपको सच्ची खुशी मिलेगी। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो निश्चित रूप से आपके प्रेम संबंध क्रोध के समावेश की वजह से परेशानी का सामना कर सकते हैं। स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई में मन लगाने के लिए, अच्छे नंबर लाने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा हमारे से ले सकते हैं, गारंटी वाला। और बात करें धनुराशि वाले व्यक्तियों के बारे में, तो धनुराशि वाले व्यक्तियों स्थिति की गंभीरता को समझने का प्रयास करिए। आपके अपने ग्रह उल्टे घूमेंगे तो आपको सपोर्ट नहीं मिलेगा। क्रोध पर नियंत्रण करने का प्रयास करिएगा कि गलती से भी किसी धर्म गुरु का अपमान करना आपके लिए अमंगलकारी हो सकता है, आपके धन ऐश्वर्य संपत्ति को नष्ट कर सकता है, परिवारजन की वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। परिवारजन काशीवा लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें, आपको लाभ होगा। भाई बहनों के साथ में कुछ अड़चन आती दिखाई दे रही है, तो अपने भाई बहनों से यानी अपने खून के रिश्ते के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास करिएगा। कार्यस्थल जो माता हैं उनका आशीर्वाद लेकर निरंतर चलना आपके लिए लाभदायक होगा। यहाँ माता आपको मदद पहुंचा सकती हैं, आपको अपना घर का मकान दिलवाने में, किराएदारी के झंझट से मुक्ति दिलवाने में समय का इंतजार के लिए माता निश्चित रूप से आपको मदद करने की तरफ अग्रसरित हो रही है। और बात करते हैं स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स का मन पढ़ाई लिखाई में जब ही लगेगा जब वो अपनी माता का आशीर्वाद लेकर पढ़ाई लिखाई करने बैठेंगे डेली, तो निश्चित रूप से उनको लाभ की प्राप्ति होगी और उनका मन पढ़ाई लिखाई में लगने लगेगा। बात करते हैं कुछ नपुंसकता से संबंधित प्रॉब्लम या इंपोटेंसी की प्रॉब्लम आपको परेशान कर सकती है, तो इस प्रॉब्लम से पार पाने के लिए आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर आगे बढ़िए या किसी योग्य डॉक्टर से सलाह लीजिए। जीवन साथी के साथ अड़चने हैं कि आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, उन अड़चनों को संभालने का, जीवन साथी को खुश करने का प्रयास करना ही सर्वश्रेष्ठ रहेगा। यह जीवन साथी के साथ हालात अच्छे नहीं है, आपके हालात अच्छे नहीं है। भाग्य की स्थिति को मैं देख रहा हूं तो भाग्य का मालिक भी राहु के साथ बैठकर अड़चन में है, तो ऐसी स्थिति में जब आमंदनी का ग्रह भी खराब हो जाए तो क्या करेंगे। तो मैं धनु राशि वाले व्यक्ति अगर अपनी राशि के रतन की, भाग्य के रतन की, आमंदनी के रतन के, जीवन साथी से संबंधित रतन की अंगूठियों को मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा से जागृत कराकर पहनेंगे तो 50-70% तक परेशानी अपने आप धीमे धीमे करके खत्म हो जाएंगी। बाकी की परेशानियां इतनी छोटी होकर सामने आएंगी जो बहुत बड़ी बड़ी परेशानियां हैं, और आप उन्हें चुटकी बजाते ही हल कर लेंगे, तो देर किस बात की है। डू इट, मेरे से अपने साइज की, अपने नाम से मंत्र सिद्ध करवाई हुई, प्राण प्रतिष्ठित और जागृत करवाई हुई अंगूठी आप घर बैठे पूरी दुनिया में कहीं भी प्राप्त कर सकते हैं। स्क्रीन पर आ रहे नंबरों पर एक वीडियो कॉल बुक कराने के पश्चात बात करते हैं धनु राशि वाले व्यक्तियों के प्रेम संबंधों के बारे में, तो निश्चित रूप से आपकी माता इसमें आपको सपोर्ट कर सकती है, तो उनकी मदद लेकर अपने प्रेम संबंधों को सुधारने का प्रयास करिएगा। किंतु जो व्यक्ति ऐसा महसूस करते हैं कि वो ऐसा नहीं कर पाएंगे, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपायों का सहारा लेकर अपने प्रेम संबंधों में आ रही लड़ाई झगड़े या धोखाधड़ी या शादी ना हो पाने या माता पिता के न मानने जैसी समस्याओं का समाधान बहुत आसानी से पा सकते हैं। तो आप वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर अपने जीवन में खुशियां लाने का प्रयास करें। बात करते हैं मकर राशि वाले व्यक्तियों के बारे में, मकर राशि वाले व्यक्ति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा आपका आत्मल कमजोर है, परिवारजनों का साथ धीमे धीमे करके ही आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। भाई बहन जो है कोशिश करें सपोर्ट करने का, आपके बाहुबल में वृद्धि करने का, माता फुल टू फुल मदद कर रही है, जिसमें भाई बहनों को मना भी रही हैं आपके फेवर में और सपोर्ट भी कर रही हैं आपको। और बात करते हैं स्टूडेंट्स, जो स्टूडेंट्स हैं उनका मन पढ़ाई लिखाई में फुल टू फुल लगा हुआ है। मोगरे का परफ्यूम इस समय अगर आप यूज करेंगे या गाय को कच्चे आलू, मतलब आपने एक आलू के चार टुकड़े करने हैं तो चार पांच आलू के चार चार पांच पांच टुकड़े कर लीजिए, उसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा चीनी डालिए और वो गाय को खिला दीजिए अपने हाथ से, गाय खाती है बड़े आराम से, आपको बहुत लाभ होगा। यहां बात करूंगा शत्रुओं की, शत्रुओं के पीछा नहीं छोड़ रहा,
सावधान रहे, सतर्क रहे। अगर आप अपनी शत्रुओं को कंट्रोल नहीं कर पा रहे तो मुझे बताइए, मैं आपके शत्रुओं को बंधन युक्त कर दूंगा ताकि आपका नुकसान ना कर सके। यहां जीवन साथी के साथ आपको सलाह दूंगा कि कभी रूढ़ मत होइएगा, वैसे ही आपका जीवन साथी रो रो कर अपने आप को दुखी करता रहता है। तो अपने जीवन साथी के रोना शायद आपको अच्छा लग सकता होगा, मगर मुझे नहीं लगता कि किसी व्यक्ति को अच्छा लगता है। तो अपने जीवन साथी के साथ रूढ़ता का व्यवहार मत करिएगा, खुश रखने का प्रयास करिएगा। बात करते हैं भाग्य की, तो भाग्य के हालात अनुकूल नहीं है, और आमंदनी के जो हालात है वहां पर आप निश्चित रूप से लाभ उठा सकते हैं, अपने कार्यस्थल पर लाभ उठा सकते हैं, अपनी संतान की सलाह मानकर, चाहे आप नौकरी कर रहे हैं, चाहे व्यापार कर रहे हैं, या उन लोगों की सलाह मानकर जो आपको प्रेम करते हैं, तो आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आमंदनी के हालात की विशेष रूप से अगर हम बात करें तो आमंदनी के हालात भाई बहनों के सपोर्ट से सुधरते हुए नजर आ रहे हैं, तो उनका सहारा लीजिए, माता का सहारा और अधिक लाभदायक होगा। और अगर आप अपने पिता का श्री चरणों का स्पर्श कर ही कार्यस्थल पर जाएंगे तो आपको और अधिक लाभ की प्राप्ति होगी। गलती से भी किसी धर्मगुरु का अपमान करना आपके लिए भारी परेशानी का सबब बन सकता है। और आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो आपके प्रेम संबंधों में खुशियों का पूरा पूरा समावेश बना हुआ है। यहाँ कुंभ राशि वाले व्यक्ति अपने आप को मजबूत करने का प्रयास करने की तरफ आप आगे बढ़े, सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, परिवारजनों के साथ मिलकर माता का फुल टू फुल आशीर्वाद। आप स्टूडेंट पढ़ाई लिखाई से विरक्त होंगे, सावधान रहें, सतर्क रहें, जो आपको मिलने वाला है वो आपके हाथ से स्लिप करता हुआ नजर आ रहा है। वैसे सभी स्टूडेंट चाहे वो सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, या फिर नॉर्मल पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में मन लगाने और अच्छे नंबर लाने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेकर अपने जीवन में अच्छी तरक्की कर सकते हैं। यहां मैं बात करना चाहूंगा जीवन साथी के साथ संबंधों में, तो आपके संबंधित ज्यादातर तनाव। भाग्य की हालात की बात करें तो भाग्य के हालात करते हुए नजर आ रहे हैं, तो माता का आशीर्वाद लेकर अपने भाग्य में वृद्धि करिए। तो यहां जब आपके ग्रह कमजोर है, क्योंकि अभी भी शनि तो 12th हाउस में ही बैठे हुए हैं, तो अच्छे नहीं है, भाग्य सपोर्ट नहीं कर रही, जीवन साथी के साथ भी अच्छे हालात नहीं है आपके, तो आप अपने मन से प्राण प्रतिष्ठा जागृत कराकर भाग्य और जीवन साथी और आमंत्रण के रत्न के मुकुट के साथ पहनेंगे तो आपकी 50-60% परेशानियां वैसे ही खत्म हो जाएंगी। शेष बड़ी बड़ी परेशानियां जब आएंगी तो आपके सामने आकर अपने आप ही छुट्टी होने लगेंगी, जिन्हें आप चुटकी बजाते सॉल्व कर सकते हैं। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों के बारे में, तो प्रेम संबंधों में आपको भारी निराशा का सामना करना पड़ा है कुंभ राशि वालों, तो अपने प्रेम संबंधों में खुशियां पाने के लिए, लड़ाई झगड़ों को दूर करने के लिए, माँ बाप की जो अड़चन आ रही है, होने वाले सासों से की तरफ से जो अड़चन आ रही है उनको संभालने के लिए वैदिक एस्ट्रोलॉजी के छोटे छोटे उपाय का सहारा लेकर आप इन संबंधों में धोखे इत्यादि से या बेवकूफ बनने से बच सकते हैं। बात करूंगा मीन राशि वाले व्यक्ति के बारे में, मीन राशि वाले व्यक्ति अपने आत्मबल में आ रही कमी को ठीक करने का प्रयास करें, अपने आप को मजबूत करें, यहाँ आप बहुत कमजोर नजर आ रहे हैं। बात करते हैं परिवारजन निश्चित रूप से आपको साथ देने का प्रयास करेंगे, उनका आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। भाई बहनों के साथ आपके संबंधों में निश्चित रूप से उत्तमता दिखाई दे रही है, उन संबंधों का फायदा उठाकर अपने बाहुबल में वृद्धि करें। माता के साथ कुछ अड़चन आती हुई नजर आ रही है, सावधान रहें, सतर्क रहें, माता का आशीर्वाद लेना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ बुद्ध देवता के तात्विक बीज मंत्र की एक माला भी आपको लाभ प्रदान करेगी। जो स्टूडेंट है निश्चित रूप से वो किसी यात्रा की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं जाते हुए, पढ़ाई लिखाई में उनका इतना फोकस हो नहीं पा रहा है इस समय, तो अगर आप पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो बड़े होकर आगे चलकर क्या करेंगे अपनी लाइफ में, कैसे करेंगे अपने परिवार का पालन पोषण, तो इन सभी स्थितियों से बचने के लिए स्क्रीन पर आए नंबरों पर आप हवाई मदद ले सकते हैं। जीवन साथी के साथ आपके संबंधों में कुछ अड़चन आ सकती है, विवादास हो सकता है, परेशानियों को आराम से सेटल करने का कोशिश करिएगा। अब आपका ग्रह ठीक नहीं, आप जीवन साथी का ग्रह ठीक नहीं, आपकी आमंत्रण का ग्रह ठीक नहीं है, तो कैसी स्थितियों को नियंत्रण में करेंगे, कार्यस्थल के ग्रह भी विपरीत दिशा में भाग रहे हैं, तो आप क्यों नहीं अपनी राशि रत्न, अपने भाग्य के राशि रत्न, अपने जीवन साथी से संबंधित, अपने कार्यस्थल से संबंधित, अपनी आमंत्रण से संबंधित रत्नों की अंगूठियों को मन से प्राण प्रति जागृत कराकर धारण करते, ऐसा करना आपके लिए
निश्चित ही सुख का कारक होगा, आपकी 50-60% परेशानियों को हर लेगा, और शेष बची परेशानियां जो बड़ी बड़ी परेशानियां होंगी वो तो आपके सामने आएंगी तो इतनी छोटी हो जाएंगी कि आप उन्हें आसानी से हैंडल कर सकें। और अंत में बात करूंगा प्रेम संबंधों के बारे में, तो मीन राशि वालों आपके प्रेम संबंधों में जो यात्रा करने की चंचलता की भावना प्रबल हो रही है उस पर नियंत्रण करने का हालात को देखते हुए प्रयत्न करें। साथ ही मैं बात करना चाहूंगा ऐसे सभी मीन राशि वाले व्यक्तियों के बारे में जिनके ऊपर यंत्र मंत्र तंत्र के द्वारा हानि पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है घर पर भी और कार्यस्थल पर भी, तो अपने ऐसे अदृश्य शत्रुओं को कंट्रोल करने के लिए आप प्रयास करें, और अगर आप उन पर विजय नहीं प्राप्त कर सकते, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, तो वैदिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आप हमारी मदद ले सकते हैं उन शक्तियों को बांधने के लिए ताकि वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके। अंत में आप सभी को आज में मां महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए वो मंत्र बताने जा रहा हूं जिसका प्रयोग मां महालक्ष्मी को न सिर्फ प्रसन्न करता है अपितु मां लक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आपके ऊपर बनी रहती है। आपने नित्य प्रति स्नान इत्यादि के पश्चात धूप दीप जलाकर, यहां पर दीपक जो जलाना है वो कपूर से जलाना है, और कमल के फूल को लेकर उस पर मां का ध्यान करना है, मां महालक्ष्मी का, और एक मंत्र की जो माला है उसी का नित्य प्रति जाप करना है। एक माला कर सकते हैं, एक माला करिए, तीन माला कर सकते हैं, तीन करिए, पांच कर सकते हैं, पांच करिए, ग्यारह कर सकते हैं, ग्यारह करिए। ऐसा करने से मां महालक्ष्मी की कृपा दृष्टि सदैव आप पर बनी रहेगी, उनकी अटूट कृपा के भागीदार हो जाएंगे। एक छोटा सा ही मंत्र है, चलिए ध्यान दीजिए मंत्र के ऊपर। ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमला कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीं ह्रीं श्रीं ओम मां महालक्ष्मी नमः। इस छोटे से मंत्र की, एक डेढ़ लाइन का मंत्र है, इस मंत्र की आपने एक माला पूरी करनी है। अपना ध्यान को मत भटकने दीजिएगा, और माला जो मंत्र की माला का मतलब यहां 108 बार पढ़ने से काउंटिंग से है कि आपने 108 बार इस मंत्र को पढ़ना है, मगर ध्यान मंत्र पढ़ते समय हाथ में जो आपके कमल का पुष्प है उस पुष्प पर माता का ध्यान करें, आप अनुभव करें कि मां महालक्ष्मी बैठी हुई है, वो चित्र वो तस्वीर निरंतर आप आंखों के मध्य, ये जो जहां मेरे तिलक लगाया हुआ है इस पोर्शन पर आकर धीमे धीमे माता आएंगी, और फूल पर आप ध्यान करेंगे मगर वो फूल पर ना बैठकर आपके ध्यान में यहां पर आकर बैठेंगी, और उस ध्यान पीरियड में ही आपने इस माला को करना है, समझ लेना, मतलब आपका ध्यान भंग नहीं होना चाहिए। कोई पप्पू के पराठे नहीं बनाने हैं उस समय आपने, कोई कार्यस्थल पर घाटे और नफे नुकसान की चिंता नहीं करनी है, सब कुछ भूल के मां महालक्ष्मी की इस अमोघ मंत्र का इस्तेमाल करना है। मैं भी तो देखूंगा मां महालक्ष्मी की अटूट कृपा कैसे आप पर नहीं होती है। जाइए एंजॉय करिए अपनी लाइफ को, आज के लिए बस इतना ही, शीघ्र ही पुनः मुलाकात होगी आपके नए ग्रह गोचर के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, जय शिंदे।